आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मोदी सरकार 2 का बजट हुआ पेश, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। निर्भया केस के दोषियों की फिर डली फांसी, निर्भया की मां ने सिस्टम पर उठाए सवाल। हर्ष फायरिंग के दौरान युवक की मौत, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी, एसडीएम ने दिए 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। और छत्तीसगढ़ में फिर बदला मौसम, 6.5 पहुंचा न्यूनतम तापमान, हो सकती है बारिश, बढ़ेगी और ठंड। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। मोदी कैबिनेट के दूसरे कार्यकाल का 91वां बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया और इसमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए घोषणाएं की। इसमें उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही लगभग हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने पूरे बजट को पेश करते हुए इतिहास रच दिया। सीतारमण वित्त मंत्री ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का बजट 2020 पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट में इंडस्ट्री और कॉमर्स के विकास के लिए 27,300 करोड़ का प्रावधान किया है। स्किल इंडिया के लिए 3,000 करोड़ का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इसकी मदद से 5 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। सरकार ने नॉमिनल हेल्थ सेस लगाए जाने का प्रस्ताव दिया है। बजट में कहा गया है कि विदेशी जूते फर्नीचर पर आयात शुल्क बढ़ाया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि कुछ वक्त पहले तक हम कई सेक्टर में आयात पर निर्भर थे, अब हम उत्पादन कर निर्यात कर रहे हैं। आयात को लेकर सीतारमण ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से सुधार कर रहे हैं, घरेलू कंपनियों को विदेशी कंपनियों के मुकाबले नुकसान न उठाना पड़े, इसे लेकर काम किया जा रहा है। दूध का उत्पादन 2025 तक दोगुना करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। ग्रामीण विकास पर सरकार का फोकस रहेगा। पैन कार्ड ऑनलाइन तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा, सिर्फ आधार से पैन कार्ड इशू हो जाएंगे। टैक्स को लेकर सीतारमण ने कहा कि विवादित टैक्स कोई पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी, टैक्स पेयर सिर्फ टैक्स चुकाएं, टैक्स को लेकर होने वाले मुकदमे घटेंगे। इसके लिए सबका विश्वास स्कीम लाई गई थी। चैरिटेबल संस्थानों को सारा रिकॉर्ड डिजिटल रखना होगा, दानदाताओं को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं रहेगी। फाइनेंशियल सेक्टर इफ गवर्नेंस वाज डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द पेयर ऑफ द हैंड्स होल्डिंग द बुके कंसिस्टिंग ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग इंडिया, the other is the financial sector. A key, clean, reliable, robust financial sector is critical to the economy. A clean, reliable and robust financial sector is critical to the economy. In our efforts to achieve the US $5 trillion economy, the financial architecture should evolve. The financial architecture should keep evolving and move from strength to strength. सीतारमण ने बजट में कहा कि 5 से 7.5 लाख तक की आमदनी वाले टैक्स पेयर्स को 10% देना होगा, 7.5 से 10 लाख तक कमाई वालों को 15% टैक्स देना होगा, 10 लाख से 12.5 लाख तक की कमाई वालों को 20% टैक्स देना होगा, 12.5 से 15 लाख तक कमाई वालों को 25% टैक्स देना होगा। हालांकि इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। पावर सेक्टर में नए निवेश को बढ़ावा देने, कॉर्पोरेट टैक्स में 15% की छूट दी जाएगी। साल 2021 में सरकार का लक्ष्य 10% आर्थिक विकास दर पाने का है। इस दौरान सरकारी खर्च 30 लाख करोड़ से ज्यादा रहेगा। सरकार LIC का IPO लाएगी और इसके लिए LIC में सरकार का हिस्सा बेचा जाएगा। हेल्थ सेक्टर के लिए 59,000 करोड़ रुपए और स्वच्छ भारत के लिए 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। IDBI बैंक में सरकार आधी हिस्सेदारी बेचेगी। माध्यम और लघु उद्योगियों को कर्ज लेने में अब आसानी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि हम 10 बैंकों को 4 बैंकों में तब्दील कर रहे हैं। बैंकों में जमा पैसे का बीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए और लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। इस बार G20 की भारत मेजबानी एवं अध्यक्षता कर रहा है, इसके लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है। सिविल एक्ट के कुछ कानूनों को क्रिमिनल एक्ट में लाया जाएगा। 85,000 करोड़ रुपए SC OBC कल्याण के लिए रखे गए हैं। महिलाओं के लिए बजट में 28,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आदिवासी कल्याण के लिए 53,000 करोड़ रखे गए हैं। सरकार अगले 3 साल में पुरानी बिजली मीटर बदलने की योजना पर काम कर रही है। सरकार तेजस जैसी ट्रेनों को बढ़ाएगी, इन ट्रेनों से टूरिस्ट प्लेस को जोड़े जाएंगे। निर्भया केस के 4 दोषियों की एक बार फिर फांसी की सजा अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। दोषियों को दूसरे डेथ वारंट के तहत 1 फरवरी को फांसी होनी थी, लेकिन कानूनी दांवपेच की वजह से कोर्ट को फांसी की सजा फिलहाल टालनी पड़ी है।
निर्भया केस के चारों दोषियों की फांसी की सजा एक बार फिर टाल दी गई। इस बीच निर्भया की मां आशा देवी का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने दोषियों के वकील एपी सिंह पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें एपी सिंह द्वारा कहा गया है कि वे दोषियों को अनंत काल तक फांसी नहीं होने देंगे। निर्भया की मां ने कहा कि वह जब तक दोषियों को फांसी न हो जाए तब तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। आशा देवी ने दोषियों को फांसी न होने पर राज्य सरकार और केंद्र को भी दोषी माना है। निर्भया की मां ने कहा, हमारे पास ऐसा सिस्टम ही क्यों है जिसमें कोर्ट दोषियों को फांसी की सजा सुना देती है लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता। ये तकलीफ नहीं कि पोस्टपोन हो गए, मुझे ये तकलीफ है कि उन चारों के वकील एपी सिंह ने मुझे चैलेंज करके कोर्ट में गया है कि ये फांसी अनंत तक काल तक नहीं होगी। तो ये कोर्ट सुन ले, दिल्ली सरकार सुन ले, केंद्र सरकार सुन ले कि उसने कहा के गया है कि ये फांसी अनंत काल के लिए टल गई। तो कहीं ना कहीं सरकार हमें 7 साल पहले हमारे बच्ची के साथ क्राइम हुआ था, बार बार हमारे को उन मुजरिमों के सामने सरकार झुका रही है, कोर्ट झुका रहा है। डेथ वारंट कैंसिल कर दिया गया है और जेल अथॉरिटी को सारा आदेश दे दिया गया है, उनसे रिसीव करा दिया गया है कि इनकी इस आधार पर फांसी की सजा नहीं होगी। छतरपुर में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कार्रवाई के तहत एसडीएम ने 14 भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये भूमाफिया हेराफेरी कर सरकारी जमीन को प्राइवेट में बदल कर खरीद फरोख्त करते थे। कमलनाथ सरकार के भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत छतरपुर में एंटी माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि भूमाफिया सरकारी जमीन की हेराफेरी कर इसको प्राइवेट जमीन में बदल देते थे और फिर इस जमीन की खरीद फरोख्त की जाती थी, जिसको देखते हुए एसडीएम ने 14 भूमाफियाओं पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश सिविल लाइन थाने को दिया है। गौरतलब है कि भूमाफिया द्वारा रीवा ग्वालियर नेशनल हाईवे के कदारी गांव से भी हेराफेरी की गई, जहां 13 एकड़ जमीन शासकीय होने के बाद भी इस जमीन पर खजुराहो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी, जिसको देखते हुए यूनिवर्सिटी के संचालक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही जो शासकीय कर्मचारी इन सब में लिप्त थे उन पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। ग्राम कदारी में खसरा नंबर 336/1 13 एकड़ भूमि जो है शासकीय रिकॉर्ड में पहले जो है शासकीय चरणों के रूप में दर्ज थी, जिस पर जो है विलियम तिर्की नाम के व्यक्ति को पट्टा दिया गया था। 5 साल का पट्टा उस व्यक्ति को दिया गया था। 5 साल बाद में जो है वो शासकीय अभिलेख में चले जाना चाहिए था। 1983-84 में रामस्वरूप तनय रामनाथ चौबे सरमन देवी पुत्री देवी प्रसाद पटेल राम सेवक मिश्रा तनय राम प्यारे मिश्रा के द्वारा जो है बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से फर्जी तरीके से दस्तावेजों में छेड़खानी करके वो जमीन जो है अपने नाम करवा ली और उस जमीन को फिर आगे श्रेक जहूर मंसूरी संतोष कुमार तनय कामता प्रसाद प्रेमचंद गुप्ता श्रीमती प्रेम कुमारी प्रेमचंद गुप्ता श्रीमती अल्पना अवस्थी लक्ष्मी प्रसाद अवस्थी श्रीमती ऋचा बरसिया श्रीमती मनीषा मिश्रा शरद अग्रवाल और प्रखर समाजोत्तम प्रगति समिति अभय सिंह भदौरिया प्रखर समाजोत्तम प्रगति समिति अजय कुमार तिवारी के द्वारा जो इसमें फर्जी तरीके से खरीदी बिक्री की गई, इसलिए इन लोगों के विरुद्ध 420, 467, 468, 469, 470, 471 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो ये सारे आरोपियों के विरुद्ध प्लस वो कर्मचारी जो जांच में जो है ये तीनों मुख्य आरोपियों को लाभ पहुंचाने में पाए जाएंगे उनके विरुद्ध जो है ये अपराध कायम किया गया है और प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। छतरपुर में एक बार फिर हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक की जान चली गई। पुलिस ने इसे हर्ष फायरिंग न मानते हुए आपस में रंजिश के चलते की गई हत्या बताया है। छतरपुर राजनगर थाना क्षेत्र के बड़ा डिगौनी में हर्ष फायरिंग के दौरान मंगल पटेल की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बड़ा डिगौनी में तिलक समारोह चल रहा था, तभी मंगल पटेल भी इस समारोह में शामिल होने पहुंचा तो वहां कुछ लोगों द्वारा कट्टे से हर्ष फायरिंग की जा रही थी। इसी फायरिंग के दौरान मंगल को गोली लग गई। गोली लगने से तिलक समारोह में हड़कंप मच गया। घायल मंगल को जिला अस्पताल में लाया गया जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस घटना को हर्ष फायरिंग न मानते हुए इसे आपस के विवाद के चलते गोली मारकर हत्या करने की बात कह रही है। गोली में चला रहे थे, ऊपर फायरिंग कर रहे थे, जो जी खड़े हो गए मंगल को गोली लग गई। वो चला रहा था राजेश पटेल। होली का कार्यक्रम था, उसमें ग्राम ले हुआ जो थाना सड़क के अंदर यहाँ से लोग गए थे, वहाँ एक ये ड्राइवर था मंगल, उसका विवाद हुआ। आप यही इसी बात पर कि ड्राइवर है यहाँ कैसे आ गया, इस तरह की काशी हुई, उस विवाद के बाद में
गोली चलने का डर, उसकी मृत्यु हुई है। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, आरोपी तलाश किया जाए। छिंदवाड़ा के एक ग्राम पंचायत में सरपंच पति ने सभा कक्ष को सीमेंट बोरी का गोदाम बना दिया है। जिस सभा कक्ष में ग्रामीणों की समस्या सुनी जानी चाहिए, वहां सीमेंट की बोरियां और गंदगी का भंडार लगा हुआ है। छिंदवाड़ा में परासिया विधानसभा के बेलगांव ग्राम पंचायत की सभा कक्ष को सरपंच पति द्वारा गोदाम बना दिया गया है। जिस सभा कक्ष में ग्रामीणों की समस्या सुनी जानी चाहिए, वहां सीमेंट की बोरियां रखी जा रही हैं। सभा कक्ष में गंदगी का भंडार लगा हुआ है। यहां ना तो सरपंच के बैठने की जगह है, ना ही सचिव के बैठने की। हर जगह बोरियां नजर आती हैं। इस बारे में सरपंच पति से बात की गई तो वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। सरपंच पति का कहना है कि यहां कार्य चल रहा है तो बोरियां कहां रखेंगे। अब सवाल यह है कि अगर सभा कक्ष में सीमेंट की बोरियां रखने के लिए है तो फिर ग्रामीणों की समस्या सुनने और कार्य करने की जगह कौन सी है। खैर, हम आपको सुनाते हैं सरपंच की दलील। पंचायत में रखना पड़ेगा, कहाँ यही साइड में काम चल रहा है, तो किसी दूसरे घर में रखने ना जाएंगे। अपने घर में रखेंगे तो भी तकलीफ है। लेकिन अभी ये आपके वहाँ सचिव अभी घर पे ही है। और ताला लटका हुआ है यहाँ पर? नहीं, ये बार बार शिकायत आती है ग्राम में। शिकायत आता है लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है, कभी कभी लेट हो जाता है। टीकमगढ़ में अदालत से सटे भवन के निर्माण में चोरी की बिजली का उपयोग करने का मामला सामने आया है। अदालत परिसर में बिजली के पोल में लगे डीपी से केबल डालकर यह चोरी निजी ठेकेदार द्वारा की जा रही है। जब इस बारे में बिजली विभाग के अधिकारी से पूछताछ की गई तो उनको इसकी जानकारी ही नहीं थी। अदालत परिसर के नजदीक ठेकेदार के द्वारा सरेराह बिजली चोरी का मामला सामने आया है। अदालत परिसर में लगी डीपी पर ठेकेदार के द्वारा केबल डालकर बिजली चोरी की जा रही और भवन का निर्माण कराया जा रहा। लोगों का कहना है कि बड़े लंबे समय से बिजली चोरी की जा रही है। ठेकेदार की मनमानी के चलते सड़क पर केबल को खुला छोड़ दिया गया है, जिसमें कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसके बावजूद बिजली विभाग ने आंखें मूंद रखी है। जब इस संबंध में बिजली विभाग के सीनियर अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने इस मामले में जानकारी न होना बताया और विजिलेंस से इसकी जाँच कराने की बात कही। ऐसा लगता है कि बिजली विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया, मेरी जानकारी में आपको बताया अनुसार ही आया है और मैं इसकी त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी जांच करवाता हूं और चोरी पाई जाती है जांच में तो नियमानुसार उसकी धारा 135 के अंदर उसका पंचनामा बनाया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और वो कोई भी हो उसके ऊपर कार्रवाई से बचेगा नहीं। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में मौसम में भारी बदलाव आया है। राजधानी रायपुर में दिन और रात का पारा सामान्य से नीचे चला गया है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते के अंतराल के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट बदल दी है। रायपुर में दिन और रात का पारा सामान्य से नीचे चला गया है। बिलासपुर में शीतलहर के हालात बने हुए हैं। बिलासपुर के पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के दक्षिणी भाग के एक या दो स्थानों में हल्की या मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर से टच करने वाला है। इससे चक्रवाती घेरा बनेगा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बारिश होगी। इसका सीधा प्रभाव बस्तर के सुकमा, बलरामपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर आदि जगहों पर पड़ेगा। सिंगरौली में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि मिस्त्री के द्वारा समय पर मजदूरी न दिए जाने और उसके प्रताड़ना से तंग आकर दोनों आरोपियों ने सरिया से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। सिंगरौली के मोरवा में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि दो बाल मजदूरों ने मिलकर मिस्त्री की हत्या की थी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व जिले के मोरवा में नगर निगम के निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में विजय रावत की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि मिस्त्री विजय रावत द्वारा समय पर मजदूरी न दिए जाने एवं उसके प्रताड़ना से तंग आकर दोनों आरोपियों ने आधी रात को सरिया से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए TI नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मृतक विजय रावत रानी सिंह गौड़ एवं दो अन्य नाबालिगों को साथ रखकर मोरवा में निजी ठेकेदारी का कार्य करता था। मिस्त्री विजय रावत से दोनों नाबालिग अपने मजदूरी का भुगतान चाह रहे थे, जिन्हें वह कई दिनों से टाल रहा था। घटना की रात पैसों को लेकर मृतक विजय ने दोनों को काफी खरी खोटी सुनाई, जिससे गुस्साए लोगों ने आरोपियों ने सोते समय विजय की सरिया से मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए थे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है।
इसके बावजूद टीकमगढ़ में नगर पालिका की लापरवाही के चलते हर जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है। नगर पालिका के अधिकारी सिर्फ कागजों में ही टीकमगढ़ को स्वच्छ और नंबर वन बनाने में लगे हुए हैं। टीकमगढ़ में नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है। कहने को तो सरकार स्वच्छ भारत के तहत लाखों रुपए खर्च कर रही है, स्वच्छता के नाम पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर दीवारों पर वॉल पेंटिंग कर जनता के पास मैसेज भेजे जा रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी इस योजना को पलीता लगा रहे। लगता है टीकमगढ़ को स्वच्छता में नंबर वन बनाने का कार्य सिर्फ कागजों पर ही किया जा रहा है। खुद विधायक के घर के पास ही स्थित मंदिर में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ऐसा ही तमाम इलाके हैं जहां नगर पालिका की टीम महीनों से सफाई करने नहीं गई है, वहां कूड़े का ढेर जमा हो गया है। अब तक हमने देखा है अंबार हमको देखने को नहीं मिले जी। ये सही बात है, सफाई के बाद लोग कचरा डालते हैं, कचरा पार्टी जनरेट होता है और सफाई होती है। इसके अलावा हमें सहयोग मिला है टीकमगढ़ से, उसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारी जो गाड़ियां निकलती हैं डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, उनमें हमने एक हेल्पर को भी लगाया। हमने खुद देखा है कि माताएं बहनें घर से निकल के कचरा गाड़ी तक भेज रहे जी जी जी, और काफी हद तक सुधार है। और टीकमगढ़ हमें ऐसा लगता है अच्छी स्थिति है। और सफाई कर्मचारी हो सकता है कर रहे हो कहीं लापरवाही, बाकी हम डेली विजिट करते हैं, उसको भी देखेंगे, कल नहीं दिखेगी आप जी। इसमें जनता का सहयोग अपेक्षित है, मीडिया का सहयोग अपेक्षित है। ये सही बात है, 100% टीकमगढ़ हम नहीं पहुँच सकते जी जी। आपके माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से, फोन से सूचनाएं हमारे तक पास तक पहुँचे, हम सभी जगह काम करते हैं। सिवनी के लखनादौन सिविल अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की संवेदनहीनता सामने आई है। प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक महिला को अस्पताल में बामुश्किल बेड दिया गया, उस पर भी स्टाफ ने महिला को इस कड़कड़ाती ठंड में ओढ़ने के लिए ना तो कंबल दिए ना ही गद्दे उपलब्ध कराए। इतना ही नहीं, अस्पताल के स्टाफ ने गर्भवती महिला को चलता करने की भी कोशिश की। जब इस बारे में बीएमओ से बात की गई तो उन्होंने वही जाँच कराने का रटा रटाया जवाब दिया। सिवनी में लखनादौन के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की संवेदनहीनता का नजारा देखने को मिला। सुबह करीब 4 बजे प्रसव पीड़ा से तड़प रही अनीता दीक्षित को डॉक्टरों की उपेक्षा के चलते ठंडे बिस्तर पेटी में बिना किसी चादर के करीब आधे घंटे लेटना पड़ा। इतना ही नहीं, अस्पताल में मौजूद महिला नर्सों ने कंबल न होने की बात कहकर उसे चलता करने की कोशिश की। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पीड़ित महिला को अस्पताल में एक पलंग नसीब हुआ, लेकिन अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने गर्भवती महिला को न ही कंबल दिए न ही गद्दा उपलब्ध कराया और आखिर में महिला को अपने घर से लाए हुए कपड़ों पर ही सोना पड़ा। नांगदहार से आए हम, वंदना दीक्षित नाम है, देवरानी के लेके आए जी। हमारी कोई व्यवस्था नहीं हुई, 4 बजे हम लेके आए थे, हम बिस्तर पेटी में से लिटा आए थे, बोल रही थी कहते कुछ नहीं है, कम्बल अम्बल पलंग खाली है ही नहीं, हम कहाँ व्यवस्था करें, ऐसे ही लिटा जाए थे बिस्तर पेटी। हमने कम्प्लीट करे जब कुछ कम्बल नहीं निकाले। आपकी डिलीवरी कहाँ हुई? घर में हो गई थी। अच्छा, फिर कहाँ में लेके आए आप लोग? अस्पताल गाड़ी गई थी। अच्छा, जब यहाँ लेके आए थे स्टाफ, जब यहाँ लेके आए थे स्टाफ में कौन था, क्या बोला स्टाफ आपसे? मैडम हती ना, मैडम ने बोली के पलंग खाली नहीं है, कहीं भी लिटा दो। हाँ, तो बिस्तर पेटी में लिटा दो, बाहर एक बिस्तर पेटी डाली लिटा दो हमने। तो आपने कहा नहीं कि हमको चद्दर दीजिए, कंबल दीजिए? कहे तो हमने कभी व्यवस्था बनाओ, हम कच्चे दे हो तो तुम लेके कहा नहीं आई घर से। अच्छा, तो हमने कहा हम जल जल्दी में आ गए, घबरा गए थे, कुछ नहीं धर पाए। तो ये जो जो पेटी है बिस्तर पेटी, ठंडी पेटी मिलता दिया, ठंडी ठंडी पेटी में कहीं लिटा दो, कहे हम कहा दे बिछा। कितनी देर लेके रहे आप? कम से कम आधा घंटा। फिर उसके बाद क्या हुआ? आके हमारे तक चाचा जी आए, उन्होंने कम्प्लीट करी, फोन लगा है, जब कम्बल दही निकाल बिस्तर पेटी में से। जब इस बारे में सिविल अस्पताल की बीएमओ बीएम सोलंकी से बात की गई तो उन्होंने वही रटा रटाया जवाब दिया। सोलंकी ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। इसकी मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है सर, मैं दिखाता हूँ तो देखें, कोई दोषी होगा तो कार्रवाई करेंगे। ड्यूटी डॉक्टर कम्बल और तकिया रजाई गद्दा उपलब्ध नहीं कराता है जी। ये तो स्टाफ का काम रहता है जी। जो भी ड्यूटी पे होगा उससे बात करेंगे। सिवनी के महाविद्यालयों में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और युवाओं को उनके बताए हुए सत्मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। सिवनी के महाविद्यालयों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्तंभ के निर्माण का लोकार्पण किया गया। इस दौरान युवाओं को उनके बताए हुए सन्मार्ग पर चलकर देश की उन्नति की ओर अग्रसर करने का संदेश दिया गया।
शासकीय महाविद्यालय परिसर में आयोजित गांधी स्तंभ के लोकार्पण के दौरान बड़ी संख्या में वरिष्ठ जनों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के अतिरिक्त समस्त कॉलेज परिवार मौजूद रहा। इस मौके पर बापू की स्वतंत्रता के लिए चलाए गए अहिंसात्मक आंदोलनों एवं त्याग के बारे में चर्चा की गई। महात्मा गांधी के संवाद दर्शन के कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय में मौजूद छात्र छात्राएं परिसर में यहां वहां टहलते नजर आए। शासन के निर्देशानुसार 150वीं पुण्यतिथि महात्मा गांधी जी के और उसमें शासन के निर्देश थे कि आज मूर्ति का स्थापना करके स्तंभ का अनावरण करना है। निर्धारित कार्यक्रम में वह संपन्न हुआ और हमारे अतिथिगण आकर के और गांधी संवाद पर डॉक्टर एस के तिवारी अपने प्रोफेसर रिटायर्ड प्रोफेसर उनको हमने गांधी संवाद पर बोलने के लिए सिवनी से बुलाया था। उन्होंने गांधी दर्शन पर सभी लोगों का गांधी दर्शन बता करके लाभान्वित किया। गांधी जी के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी प्रस्तुत करी कि गांधी महात्मा कैसे बने, महात्मा कैसे हुए, ये पर उन्होंने अपनी बात रखी और इस तरह से पूरा कार्यक्रम हमारा। आज के कार्यक्रम में महात्मा जी से संबंधित उनकी पुण्यतिथि के संबंध में महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ और यहाँ सारे महाविद्यालयी छात्रों ने उसमें अपनी सहभागिता दिखाई। मुझे महात्मा जी का यहाँ मूर्ति का अनावरण हुआ और उनसे संबंधित उनके जीवन प्रकाश पर बहुत समय काफ़ी वक्ताओं ने उसमें अपना वक्तव्य दिया। सिंगरौली एसपी ने बरगवां थाना क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया और कैंप लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने राजस्व और बिजली संबंधित समस्याएं एसपी को बताई, जिन्हें दूर करने के लिए एसपी ने निर्देश दिए हैं। सिंगरौली में एसपी अभिजीत रंजन टीआई मनीष त्रिपाठी के साथ अपने औचक दौरे पर बरगवां थाना क्षेत्र के खरखटा गांगी गाँव पहुंचे, जहाँ उन्होंने कैंप लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निदान हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। इस दौरान लोगों ने एसपी को विस्थापन एवं राजस्व बिजली संबंधित सहित अन्य समस्याओं के बारे में बताया। इस मौके पर पुलिस महकमे सहित राजस्व एमपीईबी के अधिकारी कर्मचारी स्थानीय सरपंच सचिव सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। एसपी अभिजीत रंजन ने बरगवां थाने क्षेत्र के हरा भरा रखने के लिए थाना प्रभारी और स्टाफ की सराहना भी की। महीने की 1 तारीख को होने वाले वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ कई मंत्री और अधिकारी शामिल रहे। हर बार की तरह इस बार भी महीने की 1 तारीख को होने वाले वंदे मातरम कार्यक्रम राजकीय परंपराओं के साथ शौर्य स्मारक से शुरू होकर वल्लभ भवन मंत्रालय परिसर में पूर्ण हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह सहित आला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ जवान मौजूद रहे। पुलिस बैंड के द्वारा वंदे मातरम और जन गण मन की धुन कार्यक्रम के दौरान बजाई गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।